विभाग के डीएसपी ने दो कॉलोनियों के बीच के विकल्पिक मार्ग को बंद कर गार्डन बना लिया है। डीएसपी की इस मनमानी के विरोध में मंगलवार को क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में गुहार लगाई है। अधिकारियों ने जांच कर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष दो कॉलोनियों सिलिकॉन सिटी और शिव सिटी के बीच ग्रीन बेल्ट का मामला पहुंचा। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इस ग्रीन बेल्ट से एक वैकल्पिक रास्ता दिया गया है जो दोनों ही कॉलोनियों के रहवासियों के लिए आने जाने का सबसे आम रास्ता है, लेकिन क्षेत्र में रहने वाले पुलिस विभाग के डीएसपी टीसी पवार ने अपनी मनमानी करते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया है। क्षेत्र के रहवासियों ने जब इसका विरोध किया तो डीएसपी ने दबंगई दिखाते हुए रहवासियों को भगा दिया। क्षेत्र के रहवासियों ने इस दीवार को हटवाने के लिए पुलिस विभाग के साथ ही नगर निगम में भी इसकी शिकायत की, लेकिन दोनों ही विभाग इस दीवार को नहीं हटवा सके। थक हार कर मंगलवार को रहवासी कलेक्टर कार्यालय पर जनसुनवाई में पहुंचे और डीएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रहवासियों का कहना था कि वैकल्पिक मार्ग बच्चों और बुजुर्गों के लिए आसान है, लेकिन डीएसपी की मनमानी के आगे किसी का बस नहीं चल रहा है। कलेक्टर ऑफिस में हम आए कि हमारे यहाँ शिव सिटी और सिलिकॉन सिटी के बीच में ग्रिल वेंट की जगह थी, जिसमें एक दीवार थी शिव सिटी की, उसमें एक वैकल्पिक रास्ता बना हुआ था करीब 4 साल से, जिसको डीएसपी अपना टीसी पवार द्वारा गेट के आगे दीवार बना दी गई और दीवार के उस साइड उन्होंने अपने निजी गार्डन बना लिए, कब्जे कर लिए और उसमें सब्जियां बो रखी। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं और इसके पहले 26 तारीख को ये काम हुआ था। उसके बाद में सारी दूर एसएसपी ऑफिस में, पटवारी जी के यहाँ, नगर निगम जोन पे सारी दूर हमने शिकायत की, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नगर निगम में उन्होंने सारा मौका मुहैया किया आके, और उसके बाद उन्होंने एक देखा कि वाकई परेशानी है, तो उन्होंने एक 4 फीट का रास्ता हमको दूसरी तरफ से दिया था। उस रास्ते पर भी डीएसपी पवार ने अपने दबंगता के जरिए और लोगों को साथ में लेके और फिर से दीवार उठा दी और वो रास्ता बंद कर दिया, जिसमें सभी लोगों को परेशानी हो रही है, कॉलोनी वासियों को। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े से जब इस शिकायत के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पूरे प्रकरण की जांच करवा कर समस्या का निराकरण किया जाएगा। शिकायत में रहवासियों की ये बात है कि संबंधित जो रास्ता था उस रास्ते को अवरुद्ध किया गया, आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस संबंध में हमने उनको कहा है कि हम इसकी एक जांच करवाएंगे, नगर निगम के अलावा जो है पुलिस विभाग को भी इसकी जांच के लिए अवगत कराया है। शिव सिटी के रहवासियों की समस्या के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, लेकिन डीएसपी के आगे उनकी एक ना चली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।